मंथ स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर टू। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 का, आज क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, समझिए क्या लिखा है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। यानी कि जब भी अच्छा आंसर लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे पॉजिटिव, अगर गलत लिखेंगे तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कोई कॉम्पिटिशन कोई क्वेश्चन है। If Jack's scoring 5 successive rounds, 5 बार को एग्जाम देता है, कितने कितने नंबर आते हैं उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। 25, minus 5, minus 10, 15 and 10। ये मार्क्स उसके अलग-अलग राउंड्स में आते हैं। अब पूछ क्या रहा है वो, what was his total at his at the end? यानी कि लास्ट में उसका कितना टोटल बना। तो टोटल के लिए आप क्या करते हो, जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट में मैथ में इतने, साइंस में इतने, सबको ऐड कर देते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम इसको ऐड करेंगे। क्या क्या मैंने सीखा, इक्वल लगा के क्वेश्चन को स्टार्ट किया, 25 प्लस कहाँ से लिखा, क्योंकि हम क्वेश्चन सभी आंसर्स को जोड़ रहे हैं, सभी मार्क्स को जोड़ रहे हैं, कितने मार्क्स उसके आए, तो मैंने प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन लगाया चूंकि नंबर आगे माइनस का है, कि ध्यान देने वाली बात, बच्चों ध्यान से सुनिए, चूंकि आगे नंबर माइनस का है इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, ताकि उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो मेंटेन रहे, वो खत्म ना हो, इसलिए मैंने इसको माइनस में 5 लिखा। प्लस क्योंकि सभी को जोड़ा है इसलिए प्लस लगाया। अगला नंबर फिर से माइनस 10 है, तो माइनस होने की वजह से मैंने उसको फिर से ब्रैकेट में रख दिया, माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10, सारे नंबर को मैंने जोड़ दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तरीका ये, सबसे पहले बोर्ड में रूल के अनुसार क्या होता है, अगर किसी भी लाइन के अंदर कोई भी ब्रैकेट लगा हुआ है तो सबसे पहले उसी को ही खोलना है। तो मैंने इसको सेव रखा 25 प्लस, और चूंकि ब्रैकेट जब भी हम हटाते हैं बोर्ड मास रूल ये कहता है कि अगर इधर प्लस है उधर माइनस का नंबर है तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा नंबर, एक प्लस एक माइनस, तो हमेशा वो नंबर माइनस बन जाता है। तो इसलिए मैंने इसको लिखा माइनस 5, यहाँ पे सेम केस है, ये प्लस था और ब्रैकेट आने के बाद मल्टीप्लाई हो गया, और मैं अगला नंबर लेता हूँ माइनस का नाम, तो इसलिए प्लस को जो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ही रहेगा, तो क्या बन जाएगा माइनस 10 प्लस, तो सेम रहेगा, ये भी नंबर सेम रहेगा। तो बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देने वाली बात है यार, और कुछ नहीं बच्चों, कि प्लस माइनस माइनस बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगा, क्यों, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, और ब्रैकेट कहाँ से आया था, ऊपर से, जो मैंने बताया, क्योंकि हम दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं इसलिए जो है इसका ब्रैकेट यहाँ से आया। अभी इसको सॉल्व करने के लिए 25 प्लस माइनस सॉरी माइनस 5 माइनस 10 प्लस 15 प्लस 10, तो मैंने कहा कि सभी पॉजिटिव नंबर को एक साथ जोड़ दिया, 25 प्लस 40 प्लस 10 50, डायरेक्टली मैंने लिख के 50, माइनस माइनस दोनों नंबर एक साथ ऐड कर दिए, 10 प्लस 5 15, माइनस क्यों रखा, क्योंकि दोनों नंबर ही माइनस थे इसलिए मैंने इसको माइनस रखा, और इसको तो आप इजीली कर सकते हैं, 50 माइनस 15 कितना बचा 35, तो आंसर कितना है 35, यानी कि टोटल उसकी जो स्कोरिंग रही पांचों राउंड्स के अंदर उसकी रही 35। सो अंडरस्टूड, क्लियर, यानी कि दो नेगेटिव थे बाकी पॉजिटिव सबको ऐड किया और सॉल्व कर लिया, बहुत इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन को जरा एक बार रीड करिए। एट श्रीनगर टेंपरेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे, मंडे को क्या था तापमान श्रीनगर का कितना था, 5 डिग्री माइनस में था, माइनस का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को क्या होता है वो ड्रॉप हो गया, ड्रॉप होने की वजह से ही पे आएगा माइनस साइन, यानी ध्यान देने वाली बात है यहां पे, टेंपरेचर गिर गया, जैसे आज का भी आज सर्दी है, आज 10 डिग्री थी, कल और भी ज्यादा सर्दी होती है उसमें भी आता है कि तो माइनस चला जाएगा टेंपरेचर और, तो इसलिए मैंने लिखा -5 -2 डिग्री, सो दोनों नंबर जो कि माइनस के ऐड कर लिए 5 टू 7, और इस तरह की जैसे ऊपर मैंने बताया था सेम माइनस की रहेगा उसका नंबर, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, दोनों नंबर को ऐड किया और नंबर माइनस ही रहेगा क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव थे, तो नेगेटिव से तो नेगेटिव टू गया -7 डिग्री सन, फिर कब तक ट्यूसडे को था, उसी में थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन उसने पूछा, क्या पूछा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अब अगला दिन आया मंगल के बाद बुधवार आया, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे को आते ही टेंपरेचर रोज हुआ, रोज होने की वजह से मैंने क्या किया यहां पे प्लस साइन लगाया, वहां पे ड्रॉप हुआ इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया, यहां पे टेंपरेचर बढ़ रहा है इसलिए मैंने प्लस लगाया, तो -7 प्लस 4 कितना हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि एक माइनस नंबर एक प्लस नंबर है तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 माइनस 4 कितना हुआ 3, लेकिन बचेगा कौन सा नंबर माइनस, क्यों, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, ये समझने वाली बात है, फिर से दोबारा अगर एक नंबर सपोज करिए 10 -3 तो कितना आया 7, आप कैसे लिख सकते हैं 7,
क्योंकि प्लस जो बड़ा नंबर 10 था उसी का साइन रहेगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं 3 माइनस 10 आंसर जब भी सेम आएगा 10 में से 3 रहेगा 7 ही आएगा, लेकिन इस बार साइन किसका बचेगा, बड़ा नंबर जो है तो ये माइनस 7। ये ध्यान देने वाली बात, समझने की बात है, ये माइनस नंबर यहां पे बचा तो कितना बचा आंसर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि पहले से जो टेंपरेचर था वो कितना था, माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस 6th वाले कांसेप्ट में केवल प्लस माइनस को ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसका प्रैक्टिस करना अपनी अच्छे से, इसको उसमें से एग्जाम में आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन।